सो गाइज ये था फर्स्ट वन के बाद चलते हैं सेकंड वन की तरफ। इन वन जो है वो है एक हैंगर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर जो है वो कबर्ड ऑर्गेनाइजर है। ये नॉर्मल हैंगर की तरह नहीं है, इसमें आप एक टाइम पे एक हैंगर में काफी सारे कपड़े हैंग कर सकते हो। तो काफी अच्छा मल्टीपर्पज हैंगर ऑर्गेनाइजर है ये कबर्ड के लिए। एंड ये मुझे कुछ 170 के अराउंड, एग्जैक्टली मुझे प्राइस नहीं याद, 150 से 170 के बीच का अमाउंट था, उसके बीच में मुझे ये मिला। मैं प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं स्क्रीन पे भी प्राइस मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ये जो हैंगर है वो मुझे 150 से 170 के बीच में मिले थे। कुछ 5 पीसेस हैं ये हैंगर्स के। एंड जो कलर मुझे चाहिए था, मुझे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा पसंद है और ये मुझे ग्रीन कलर में रिसीव हुआ है। ये देखिए, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे ग्रीन कलर का रिसीव होगा और ये मुझे ग्रीन कलर का ही रिसीव हुआ है। इसके साथ ही साथ ही 5 पीस थे। 5 में से 3 जो है वो मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके अपने कबर्ड में लगा दिए हैं। एक ये है और एक जो है वो मैंने अपने कबर्ड से निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए कि कैसे वो ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो। एंड इन 5 में से 3 ग्रीन है मेरे पास और 2 जो है वो पिंक कलर के हैं। तो आप ये देखो, कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा सा है, ग्रीन एंड पिंक। तो ये ग्रीन जो है वो खाली मेरे पास रखा है एंड पिंक जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजर है, ये पूरा प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर है, पूरा प्लास्टिक मटेरियल है। एंड इसमें पार्टीशन है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसमें 5 पार्टीशन है। आप इसमें कई सारे कपड़े एक साथ हैंग कर सकते हो। मैंने पर्सनली जो है वो इसमें टॉप हैंग किए हुए हैं, बिकॉज जो टॉप होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं फोल्ड करने के बाद, और जब आप उसको फोल्ड करके रखते हो अपने कबर्ड में तो वो नेक्स्ट टाइम पे वो चीज नहीं मिलती है, मुझे तो नहीं मिलती है। तो फिर मैंने सोचा इसमें हैंग करके रखूंगी, जब भी मुझे नीड होगी दिखेगा सामने तो मैं डायरेक्टली उसको निकाल सकती हूँ। इस वजह से मुझे ये काफी अच्छी चीज लगी। एंड अगर एक हैंगर में 5 पीसेस भी आते हैं तो आप पूरी लॉट में अगर 10 हैंगर भी लगाते हो तो मोस्टली आपके 50% कपड़े, मेरे तो 50% कपड़े रॉट पे ही चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े नहीं है। तो मेरे 50% जो कपड़े हैं वो रॉट पे ही टंग जाएंगे, मुझे नीचे कबर्ड में कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी रखने की। इतनी बड़ी बड़ी चीजें ही रखूंगी, बॉटम वियर या फिर स्कर्ट्स या इस टाइप की चीजें ही जो है वही मैं वहां रखूंगी। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं हैंगर में ही टांगने वाली हूँ और मैंने ऑलमोस्ट टांग दी है। अब देखती हूँ किसी दिन वीकेंड मिलेगा तो उस दिन मैं फिर से ऑर्गेनाइज करूंगी, तब मैं इसमें जरूर टांगूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से हैंग करना है। एंड ये है पिंक कलर का हैंगर, ये पिंक कलर का है, वो ग्रीन कलर का था, ये 2 हैं और ग्रीन कलर वाले जो हैं वो 3 हैं। और इस तरीके से मैंने इसको हैंग किया हुआ है। ये देखिए, ये सिंगल कुर्ती है, ये भी एक कुर्ती है सिंगल। फिर इस साइड से मैंने इसको हैंग किया है ग्रीन कलर की कुर्ती को, और इसके बाद ये एक ब्लू कलर की कुर्ती मैंने हैंग करी है। मैंने ये सिंगल हैंगर में 4 पीसेस हैंग किए हैं, बिकॉज ये कुर्ती थी और कुर्ती जो है वो स्पेस ज्यादा लेती है, टॉप इतना स्पेस नहीं लेते हैं। तो आप एक हैंगर में 5 से ज्यादा टॉप भी हैंग कर सकते हैं, बट कुर्ती स्पेस ज्यादा लेती हैं। इस वजह से मैंने ये ब्लैक, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये 4 कुर्तीज जो है वो इस हैंगर में हैंग करी हैं। एंड मुझे काफी अच्छा लगा, एक हैंगर में अगर 4 कुर्तियां आ गई मेरी तो इस तरीके से मेरे काफी सारे कपड़े तो ऐसे ही निपट जाएंगे, मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कबर्ड में। तो काफी अच्छी चीज लगी मुझे। और अगर वजन की बात करूं मैं, तो ये प्लास्टिक का हैंगर है, बहुत ज्यादा वेट तो नहीं, हाँ इसका वेट है, बट अगर आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस लोड डाल दोगे तो ऑब्वियसली ये बेंड हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर डालोगे, क्योंकि इसकी प्लास्टिक देखिए ऐसी है, इससे आप समझ सकते हो कि इसकी प्लास्टिक कैसी है। ज्यादा वेट नहीं, 4 कुर्तियों का वेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और टॉप बहुत लाइट वेट होते हैं, लाइक अगर 5 से 7 टॉप भी आप टांग दोगे ना उसमें कोई वेट नहीं होता टॉप में इतना ज्यादा। तो टॉप आराम से टांग सकते हो 5 से 7, उससे ज्यादा आ जाए तो 10 भी टांग दो, बट कुर्तियों में थोड़ा वजन होता है। तो 4 कुर्तियां सफिशियंट है एक हैंगर के लिए, और मुझे लगता है 4 से ज्यादा अगर मैं टांग देती हूँ, 5 या 7 टांग देती हूँ, तो शायद ये बेंड होने के चांसेस हैं, बिकॉज इसकी प्लास्टिक आप देख सकते हो कैसी है। बट यार आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, 170 रुपीज में इस तरीके के हैंगर्स मिल रहे हैं, 5 हैंगर्स मिल रहे हैं, तो कॉस्ट के हिसाब से ये हैंगर ठीक है, बट अगर आप क्वालिटी पे जाते हो तो क्वालिटी वॉज ओके, नॉट सो गुड तो नॉट बैड, ठीक है क्वालिटी ओके। अगर आप क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हो तो आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करके अच्छी क्वालिटी के हैंगर्स भी इस तरीके के ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड पे ले लो तो आपको अच्छी क्वालिटी के साथ ऐसे हैंगर मिल जाएंगे एंड आपके सामान जो है वो काफी हद तक आपके कबर्ड में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो गाइज ये था वो हैंगर, एंड ये है इसका दूसरा हैंगर ग्रीन वाला, पिंक एंड ग्रीन, 3 ये थे, 2 ये थे। बट आप जब ऑर्डर करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए, लक की बात है कि दोनों ही कलर पसंद है मुझे, ग्रीन ज्यादा पसंद है,
बट पिंक भी मिल गया, चलेगा, बट अच्छा कॉम्बिनेशन था ये, अच्छा था, मुझे पसंद आया, मुझे ये हैंगर्स भी बहुत ज्यादा पसंद आए। तो गाइज आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड मैं जो प्रोडक्ट है उसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, साथ ही प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके आप इस प्रोडक्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर मुझे इससे अच्छे बजट में कुछ मिलता है और आपके लिए यूजफुल हो भी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके विजिट करके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।